नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं अपने प्यारे YouTube चैनल अनटेल प्रयागराज YouTube चैनल में, जिसमें मैं आनंद अपनी रिसर्च के आधार पर आपको सारी अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलिए आज के भी अपडेट्स को जान लेते हैं। तो कल की अपडेट्स के अनुसार मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉकडाउन 4.0 जो कि 18 मई यानी आज से शुरू होकर 31 मई तक जाने वाला है, ये लॉकडाउन का चौथा चरण है, जिसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा जो सरकार ने अभी अपनी गाइडलाइंस में बताया है। तो इस गाइडलाइन में क्या 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 चेंज खुलेंगी, क्या क्या बंद रहेंगी, कितनी अनुमति की किन चीज़ों को दी गई है, कितनी रियायतें दी गई हैं, तो चलिए इसी बात को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हो सकता है कि मैं देखूँ कहीं और अब लगे कुछ और, लेकिन मैं पॉइंट्स को देख के आपको मैं बताता हूँ वो क्या पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये है कि मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि विमान सेवाएं बंद रहेंगी, फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। और चौथा ये है कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ये सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और ये अनएडिटेड यह लाइव क्योंकि अपडेट है, तो मैं इसको एडिट भी नहीं करने वाला। आप इसको फ्री में इसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल सेवाएं बंद रहेंगी, मॉल सिनेमाएं बंद रहेंगी, होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगी। देश भर में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के अलावा जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन हैं उनको भी बनाए जाएँ। मार्केट खुलने में जो अहम भूमिका अदा करेगी वो राज्य सरकार करेगी, वही तय करेगी कि मार्केट खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। बस चलाने के भी आदेश राज्य सरकार दे सकती है, ये उसी के पास वही तय करेगी कि बस चलाई जाए कि नहीं। और 16वें नंबर पर हम आ गए हैं, आपको मैं नंबरिंग करना भूल गया। 16वें नंबर पर आ गए हैं कि शादी ब्याह में 50 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। जी हाँ, 50 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर मनाही हो गया। अगर आप कहीं पर थूकते हुए पाए जाएंगे तो आपको ऊपर जुर्माना प्लस आपको आप कानून की उल्लंघन करने की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर आता है रात को आप बाहर निकलें, समय सीमा है शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक आप कहीं ना निकलें। और 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 वर्ष के बच्चे भी घर से बाहर ना निकलें। मास्क ज़रूर पहनें, मास्क पहनना ज़रूरी है। उल्लंघन करने पर कानूनी अपराध होगा। और अंतिम संस्कार पर 20 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जा सकेगा। कर्मचारी दफ्तर में बुलाए जाएंगे, उनकी जांच होगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लेकिन उनको आना ही पड़ेगा। और आरोग्य सेतु ऐप है, उस पर अपनी सारी डिटेल अपनी देनी होगी। फिर आते हैं सरकारी काम में अगर कोई रुकावट डालता है या पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। ये सारी अपडेट्स हैं लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन के अनुसार। तो 21 पॉइंट थे, मैंने सभी रख दिए। ये 3 मिनट का वीडियो आपके पास आ गया। और मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अपडेट्स भी हमें बताएं कि अपडेट में आपको और भी कौन सी नई चीज़ की अपडेट चाहिए, किस चीज़ पर आपको डिटेल चाहिए, मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो।